नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं प्रोटेस अकेडमी। देखते हैं न्यूज में हमारे लिए क्या है खास और क्या हमें जानना चाहिए। कल वाली हेडलाइन है, सेम न्यूज है कि दैट इज द्रौपदी मुर्मू, इनको प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से चुना है और मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि बीजेपी वाले जो कैंडिडेट होंगे वही जीतेंगे। तो मोदी जी का बयान आया है कि देखो सब लोग मान चुके हैं और सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है द्रौपदी मुर्मू को एज अ प्रेसिडेंट। तो अब इलेक्शन होने हैं, 18 जुलाई को ये इलेक्शन होंगे। तो ये अब आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी अपना और अपोजिशन पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और फिर इसके इलेक्शंस होंगे। सबने अपने अपने कैंपेन शुरू कर दी है, बीजेपी ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, जो जितना समर्थन हो सकता है उतना जुटाया जाएगा। जैसे एमएलएज का भी बड़ा रोल होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होता है, एमपीज का रोल होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही रोल होता है। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि अगर एक प्रेसिडेंट चुना जा रहा है तो सबका सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है, एटलीस्ट सबको कन्विंस करना पड़ेगा। और एक तरह की कैंपेन चलाई जाएगी, अपोजिशन ने शुरू कर दी है, एनडीए ने शुरू कर दी है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है कैंपेन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं या एमएलएज हैं इनको अपनी तरफ किया जा सके, या भले ही वो अपनी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों, ऐसा करने का कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, श्रीलंका आए दिन न्यूज में बना रहता है क्योंकि उसके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इंडिया ने काफी मदद भी की है, आईएमएफ से भी इसने मदद मांगी है और भी कंट्रीजों ने इनकी मदद की है। तो सिमिलर ऐसा ही कुछ दोबारा से बयान आया है और इन्होंने फिर से कहा है कि हमको $500 मिलियन की मदद चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। क्यों चाहिए? अभी कल ही क्लास में हमने ये कवर किया था कि श्रीलंका के पास फ्यूल खरीदने का पैसा नहीं बचा है, वहां पर बहुत बुरी हालत चल रही है, इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है। सपोर्ट मांगा है कि हमको कुछ $500 मिलियन दे दो ताकि हम फ्यूल खरीद सकें। इंडिया ने बोला है कि इंडिया प्रॉमिस श्रीलंका टू फुल सपोर्ट, जितना मदद हो सकता है उतना किया जाएगा। ऑलरेडी हम इनकी बहुत मदद कर चुके हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंट्री से ज़्यादा एक मदद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम साथ खड़े हैं। दैट्स ये कह सकते हो कि इंडिया इज ए रिलायबल नेवर, एक रिलायबल नेवर है, रिलायबल पार्टनर है, फ्रेंड है। ये एक जेस्चर होता है कि वर्ल्ड कम्युनिटीज को आप क्या सेंड करना चाहते हो, आप पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर श्रीलंका हम पर भरोसा कर पा रहा, हल भले ही वो जरूरत में कर रहा है, एक असली दोस्त की पहचान जरूरत में ही होती है, बात सही है, ठीक है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो गुडविल है वो पाकिस्तान से, सॉरी चाइना से अच्छी गुडविल है। शायद ही कोई कंट्री होगा जो आंख बंद करके चाइना पर भरोसा करता हो, लेकिन इंडिया पर लोग करते हैं और ये हमने क्रिएट की है गुडविल। इसका हमें फायदा मिलता है, जब भी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जब भी वोटिंग्स होती हैं तो वहां पर जो हमारे फ्रेंड्स कंट्री हैं वो हमारी मदद भी करते हैं। तो एक तरह से ये समझ लो कि ठीक है, आईएमएफ के साथ इनकी टॉक चल रही है, श्रीलंका की बिल्कुल चल रही होगी, पाकिस्तान की भी चल रही है, पाकिस्तान के बारे में अभी हम न्यूज कवर करेंगे। श्रीलंका की चल रही है कि कुछ पैसे दे दो, आईएमएफ का सेम फंडा रहता है, सेम का सिर्फ एक कर रहता है कि आप इकोनॉमी में रिफॉर्म करो, अगर आप इकोनॉमी में रिफॉर्म करोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। उसकी कभी भी पैसा सिर्फ ग्रांटेड नहीं किया जाता है, उसके साथ टर्म एंड कंडीशन भी लगी होती है, उन्हें आपको फुलफिल करना होता है। जैसे इंडिया को एक बार 1991 में फुलफिल करनी पड़ी थी आईएमएफ की टर्म एंड कंडीशन, सिमिलर सी कंडीशन इन्होंने लगाई हैं श्रीलंका के ऊपर भी, बिल्कुल लगेंगी और इन्हें फॉलो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हो ये वाली या जुड़े हो तो लंबे समय से, तो आप ये समझ पाओगे कि ये बात मैंने कई बार कही है, ठीक है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो एक स्विफ्ट सिस्टम के तहत जो इंटरनेशनल ट्रांसफर होता था, इंटरनेशनल पेमेंट का ट्रांसफर होता था, वो रोक दिया गया था और रशिया को वहां से अलग कर दिया गया था। ऐसे में एक सेंक्शन और लगाया गया था रशिया के ऊपर कि आप डॉलर में पेमेंट नहीं करोगे, जो भी व्यापार करेगा रशिया के साथ वो डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता। एक तरह से मोनोपोली है यूएस की, इस पर चाहे उस पर सेंक्शन लगा सकता है, क्योंकि हमने ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत डॉलर को एज ए इंटरनेशनल करेंसी मान रखा है, उसी में हम व्यापार करना पसंद करते हैं।
अगर हम कभी यूएस के अपोजिट जाते हैं तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब यहाँ पे समय के अनुसार जो हमारी नीड उभर कर आई है, हमारी कहें या रशिया है, चाइना है, इंडिया है या कोई भी कंट्री, कभी जिसका मतभेद हो सकता है और कभी जो अपनी डिपेंडेंसी यूएस से कम करना चाहता है, वो हमेशा इस बात पे चर्चा करता है कि क्या हमें एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट व्लादिमीर पुतिन ने भी पिच किया था कुछ समय पहले, कहा था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। और जब जब ब्रिक्स की बात आती थी तो मैं आपको बताता था कि ब्रिक्स जब सबमिट होगी तो उसमें कुछ ऐसा डिस्कस जरूर किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कुछ बयान आया है और इंडिया की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, ठीक है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है इतना हमें मालूम है, जिसको चाइना होस्ट कर रहा है। वहां पर रशिया ने ये पिच किया है कि ब्रिक्स कंट्रीज को साथ में मिलकर एक इंटरनेशनल करेंसी बनानी चाहिए। अब इंटरनेशनल करेंसी का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रशिया का जो करेंसी है वो उसे हम नेशनलाइज कर देंगे, जो इंटरनेशनलाइज कर देंगे, या इंडिया की रुपी को या चाइना की एक करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। होगा क्या, IMF का नाम सुना है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसकी करेंसी चलती है दैट इज SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो वो एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी की तरह काम करता है। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स कंट्री साथ में आए और एक अलग करेंसी बनाएं जिसको बैक किया जाएगा इन सारी पांचों कंट्रीज की करेंसी के साथ, इसको बैकअप दिया जाएगा। तो एक नई इंटरनेशनल करेंसी बनने की बात चल रही है, अभी बहुत ही इनिशियल फेजेस में है, अभी तक इसका नाम तक डिस्कस नहीं आया है। हाँ, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही इसके पक्ष में हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए। अब बात आती है इंडिया पर, क्या इंडिया इसका पार्ट बनेगा, और अगर पार्ट बनेगा तो यूएस तरफ से बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि यूएस को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके अपोजिट में या उसके काउंटर करने के लिए कोई खड़ा हो रहा है, जो उसकी मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। इंडिया पर प्रेशर आएगा, इंडिया के साथ साथ जो और भी कंट्रीज हैं उन पर भी यूएस प्रेशर डालेगा कि आप हमारे साथ आइए, ये मत करिए, वो मत करिए, प्रेशर आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि इंडिया किस तरह से इसमें काम कर सकता है और किस तरह से कदम उठाता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक अल्टरनेटिव करेंसी बनाने की बात जरूर करी है ताकि अमेरिकन डॉलर्स को हम काउंटर कर सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, और कमाल की बात, ये इंडिया भी, इंडिया ने आउटलेटली इसको रिजेक्ट नहीं किया है, ना ही अभी ऐसा कुछ समर्थन दिया है। वी आर वेटिंग, इंडिया भी वेट कर रहा है कि चलो देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं, इतना ये सीरियस है या नहीं है। सीरियस है तो इस पर विचार किया जाएगा, सीरियस नहीं है तो लेट्स इग्नोर इट। और 26-27 तारीख को G7 की मीटिंग भी होने वाली है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग खत्म हुई है और G7 की शुरू होने वाली है। इंडिया ब्रिक्स में शामिल था, जहां पर वो US के अपोजिट कोई हम करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी हम G7 में जाएंगे जहां पर US मिलेगा हमको। तो ये बड़ा क्रूशियल है कि इंडिया किस तरह से स्टेप लेता है और किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसीज को मेंटेन करता है। लेकिन फिर भी ये जो भी है हम कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी न रशिया पर है, न चाइना पर है, न US पर है। अगर हमको गलत लगता है हम बोलते हैं। हाँ, और ब्रिक्स समिट में एक और चीज डिस्कस हुई थी, ब्रिक्स समिट में जो इनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये नहीं था। अच्छा, बात तो जरूर हुई थी, ब्रिक्स समिट हुआ है तो बात तो जरूर यूक्रेन और रशिया के वॉर की, ठीक है। कुछ लोगों का अंदाजा ये भी था कि LAC पर भी बात हो सकती है, चाइना के एग्रेशन को लेकर भी बात हो सकती है, लेकिन इंडिया ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, ठीक है। एक पूरी मीटिंग जब कंडक्ट हो जाती है उसके बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन सामने आता है, यानी पूरी मीटिंग में हमने क्या डिस्कस किया और किस पर सहमति बनी, दैट इज ज्वाइंट डिक्लेरेशन। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कहीं भी LAC का नाम नहीं था फर्स्ट इंस्टेंस में, और हाँ, यूक्रेन और रशिया के वॉर की बात जरूर, जिस पर पांचों कंट्रीज ने एक बात पर सहमति जताई है कि चलो हम मिल बैठ के बातचीत करके इस मसले को सुलझा लेते हैं। तो ये वाला जरूर डिक्लेरेशन सामने आया, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज को, जो कि रशिया के ऊपर एक आक्रमणकारी होने का तमगा लगा रहे थे, ठीक है। तो अगर हम ब्रिक्स में आप बैठकर अगर रशिया इस बात पे डिक्लेरेशन पे साइन करता है कि हाँ इसका रास्ता हम बातचीत करके भी सुलझा सकते हैं, तो ये अलग तरह का मैसेज देता है, और ये लाइन इंडिया की
शुरुआत से है कि ठीक है इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए ऑन द फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज, बैठ कर बात कर लेते, वही उसी को फॉलो किया गया है। और ठीक है रशिया तो रशिया है, क्या किया है रशिया ने, दो शहरों को और कब्जा कर लिया है, दो डोनबास के नियर जो गांव हैं पर कब्जा और कर लिया है। ठीक है तो हाँ अब यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि रशिया अनस्टॉपेबल हो चुका है, रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, उसे रोक नहीं सकते कोई। स्टार्टिंग में लगा था कि यूक्रेन बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है, लेकिन रशिया लगातार अपना प्रयास करता रहा और अब यूक्रेन पीछे हटना शुरू हो गया है और रशिया आगे बढ़ना शुरू हो गया है। वेस्ट ने मदद जरूर की है लेकिन उसका कुछ खास असर हमको देखने को नहीं मिलता है। हाँ कुछ दिन जरूर मिल गए कि जो यूक्रेन एक महीने में गिर सकता था उसे गिराने में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, ये टाइम जरूर बाय कर दिया है, लेकिन इसका ये मान के चलो कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डिले जरूर हो सकता है, इतना हमें भी मालूम है। अल्टीमेटली रशिया ही जीतेगा, खैर देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक है सरकार ने बोला है कि हम अपने डेफिसिट को 6.7 कर रखेंगे। अच्छा अभी जो फिजिकल डेफिसिट है ना, पहले ये टारगेट रखा था कि हमारा जो बजट डेफिसिट रहेगा वो 6.4% रहेगा, जो कि हम अचीव नहीं कर पाए। फिजिकल डेफिसिट मतलब घाटा, जितना हमने सोचा था उससे कम घाटा रखना है, हम घाटा सोचा था हमने 6.4 का, अब हम वो फेल कर गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है इस बार के हम साल के लेवल को हम रखेंगे 6.7% तक। तो ये एक अलग तरीके की चीज़ है, अगर तुमको कुछ याद आ रहा है तो देख सकते हो FRBM एक्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ कुछ उससे रिलेटेड है कि हम टारगेट जरूर रखते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट GDP के कंपैरिजन में इतना रहेगा, क्योंकि कभी फॉलो नहीं हुआ, कभी पूरा ही नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब FRBM एक्ट लाए थे तब हमारा टारगेट 3% का था, फिर 4% हुआ, फिर 5% हुआ, अब 6.7। अच्छा ये अभी से बोलना शुरू कर दिया। एक और बात, FRBM एक्ट 2020 में अमेंड किया गया था, उसमें टारगेट रखा गया था कि हम 2023 तक फिजिकल डेफिसिट को 2.5% तक ले आएंगे, 2.5% तक ले आएंगे, लेकिन हमारा टारगेट से कितना जा रहा है 6.7% तक, बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब सरकार ने ये बात कहना शुरू कर दिया है कि हम अपने टारगेट को इतना रखेंगे, और आने वाले कुछ टाइम में देखोगे FRBM एक्ट को भी अमेंड किया जाएगा और टारगेट को रिवाइज किया जाएगा। अभी से शुरू किया है तभी जाके ये कन्वेंस कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा समस्या हो जाएगी। इंडिया रीओपन एम्बेसी इन द काबुल, इस पर बात चल रही थी, काबुल में एम्बेसी खुलेगी इंडिया की दोबारा से। ठीक है एम्बेसडर भले ही अपॉइंट ना किए जाएं लेकिन एम्बेसी जरूर खुलेगी, ताकि हम एम्बेसी के जरिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको पहुंचा सकें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, मॉनिटर कर सकें। अभी एम्बेसडर की कोई बात नहीं हुई है कि एम्बेसडर भी वहां अपॉइंट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, लेकिन एम्बेसी की जरूर बात हुई है। अभी गुरुद्वारा में अटैक हुआ था तब ये कयास लगाए जा रहे थे, हो सकता है कि हमारा एम्बेसी खोलने का जो टारगेट है वो थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि वहां पर हम स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि अब ये खुलेगा और एम्बेसी खुलेगी। ठीक है और जो अभी अर्थक्वेक आया था के कारण बहुत से लोग मारे गए थे, लगभग 1000 से ऊपर की जिनकी संख्या बताई जा रही है वो लोग मारे जा चुके हैं। वहां पर हमने एक रिलीफ पैकेज भेजा है, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट इसको लेके पहुंचा है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तालिबान की मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है विल अग्निपथ एनर्जाइज और डिमोरलाइज द मिलिट्री, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि क्या अग्निपथ से एनर्जी आएगी या डिमोरलाइज कराएगा। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्होंने कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ सीरियस कंसर्न पर भी बात की है। इन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है कि एक तो और बड़ा ही बेसिक सा सवाल इन्होंने उठाया कि हम 4 साल के लिए किसी एक लड़के को भर्ती कर रहे हैं एज ए अग्निवीर, दूसरे लड़के को भी सेम 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं एज ए अग्निवीर, दो लड़के। अब एक को हम पीस में
बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ड्यूटी करो, एक को हमने बोल दिया है फील्ड में ड्यूटी करो, और लास्ट में 4 साल बाद हम उनका असेसमेंट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, उसके बाद उनमें से 25% लोगों को हमने रिटेन करने की बात कही है। तो अब बात यह आती है कि इन दोनों में लड़कों में से हमें एक को रिटेन करना है, तो क्या पैरामीटर रहेगा? एक जो 4 साल अपना पीस में सर्व किया है और एक 4 साल अपना फील्ड में सर्व किया है, दोनों का कंपैरिजन किस बेसिस पर होगा, इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि 3 साल में हम उसमें क्या ही, 4 साल में क्या ही देख पाएंगे। बस उसका 6 महीने 7 महीने ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, फिर 3 साल वो सर्व करेगा, कोई ट्रेन नहीं देख पाएगा। एक ट्रेन में उसको अपॉइंट किया, उसी ट्रेन में वो वापस भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और सिमिलर सी चीज अपॉइंट की गई थी, दैट इज शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें 5 साल के लिए पहले रखा गया था कि जो भी ऑफिसर्स होंगे उन्हें 5 साल के लिए हम भर्ती करेंगे और 5 साल बाद उन्हें रिटायर कर देंगे। इसे बाद में चल के रिवाइज कर दिया गया और 10 साल कर दिया गया। अब वैसा ही कुछ कुछ इन्होंने कहा है कि देखो अभी तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है ना, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो अभी क्राइटेरिया बनाया है यही परमानेंट रहने वाला है। एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं, 4 साल वाले मेथड को ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद असेसमेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव करने हैं, उसके बाद हम बदलाव करें। अभी के लिए जो है उसे ठीक मान के चल लेते हैं, अगर गलत होंगे तो फिर उसे करेक्ट कर लेंगे। बड़ा ही सदा हुआ सा बयान है और कह सकते हो कि ठीक है, एक आर्मी से आए हुए बंदे से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो आर्मी के खिलाफ तो नहीं बोलेगा, ठीक है, और बोलना भी नहीं चाहिए अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो। हाँ, लेकिन जो सवाल है जेन्युइन वो जरूर इन्होंने उठाया है, उससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं। सिमिलर सी चीजें इन्होंने बताई कि देखो नेवी और एयरफोर्स के लिए भी, एयरफोर्स और नेवी में बड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि जो IIT से लड़के गए हैं, ITI से जो लड़के गए हैं वो वहाँ सर्व करें ताकि समझने में जो वो समझ सकें। अब इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो लगभग 4 साल 5 साल का होता है कि 5 साल में हम एक लड़के को सिखाते हैं तब जाके वो पूरी तरह से सीख पाता है, उस पर हम 4 साल बाद भरोसा कर पाते हैं कि अपनी दम पर ऑपरेशन को कैरी कर सकता है, नहीं तो उसे सुपरविजन की जरूरत होती है। अब 4 साल में एक बच्चा सीख ही पाता है तो 4 साल में वो सर्व क्या कर लेगा। इनका ये भी बयान ठीक है कि चलो यहाँ पर थोड़ा सा ये टेन्योर को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल बहुत कम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए। ये कुछ हैं अपने रीजनेबल डाउट्स, क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट है, एक्स पंजाब DGP दिनकर गुप्ता NIA चीफ बना दिए गए हैं, तो दैट्स एन ओनली एन अपॉइंटमेंट, में कुछ करना नहीं, रट्टा मारना है। तो दिनकर गुप्ता नए चीफ बना दिए गए हैं, कौन बनाता है? दैट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट्स अपॉइंट करती है। 1987 के बैच के ये IPS हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्यास जैन, ठीक है, प्यास जैन एंड बोधि सत्व, इन्हें कुछ जीत गए हैं, क्या जीत गए हैं? एक्चुअली एक टेबल टेनिस नेशनल जूनियर एंड यूथ टेबल टेनिस चैंपियन हुई थी, उसको इन्होंने जीत लिया है। बस इतना याद रख लेना, दो नाम, दैट इज प्यास जैन एंड बोधिसत्व, टेबल टेनिस में इन्होंने जीत मिली है इन्हें। टेबल टेनिस भी कौन सा, नेशनल जूनियर एंड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ये जीते हैं, ठीक है, मेडल भी मिला है और ट्रॉफी भी उठाई है। बस तो आज के लिए हमारे करंट अफेयर इतने ही रहेंगे, आई होप कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए प्लूटस अकेडमी।